ये 2 किलो चिकन है, इसमें दो चम्मच नमक और 3 नींबू डाल के, नींबू का रस डाल के हमने उसे 2 घंटे के लिए हमने इसे रख दिया कि अच्छे से नींबू और नमक इसमें जज्ब हो जाए। कट लगे हुए हैं इसको, इसे मसाला बहुत अच्छा लग जाता है अंदर तक। जी हमारा 1.5 चम्मच साबुत धनिया है साफ़ किया हुआ, 1 चम्मच ज़ीरा है साबुत साफ़ किया हुआ, या 8 से 10 सूख मिर्चियाँ साबुत साफ़ की हुई। इनको हम हल्का सा तवे के ऊपर डाल के ना अब भून लेंगे हल्के हल्के उसके ऊपर ऐसे। हमने 2 घंटे बाद इसे पानी से निकाल के झरने में डाल दिया है कि अच्छे से इसका पानी निकल जाए और ये खुश्क हो जाए क्योंकि मसाला इस पर सही लगे। ये 1 चम्मच काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3-4 लौंगे हैं और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है। इसको भी हम तवे पे हल्के हल्के भून लेंगे और फिर सब चीज़ें हमने ग्राइंड कर देंगे। ये 1 कप दही है, इसको फेंट के हम इसमें हम ये सारा मसाला डाल के मिक्स कर लेंगे। अब ये 1 छोटा चम्मच हल्दी है, इसी भी मसाले में मिक्स करेंगे। और ये जर्दे लाल मिर्च है 1/2 चम्मच और थोड़ा सा जर्दे का रंग। ये सारी चीज़ें हम दही में मिक्स कर लेंगे। 3 नींबू का रस निकाला है और ये हमारा मसाला है जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था। इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसमें नमक डाला है हस्बे जायका जितना आप बेहतर समझे, और ये 1/2 कप ऑयल डाला है अंदर मसाले के अंदर मिक्स किया। ये जो हम उन पे लगाएंगे पीसों पे तो ये साथ लगेगा। ये देखिए ये ऐसे इस तरह करके इसको अच्छे से मसाला लगाना है एक एक पीस को। अब पूरी रात अगर आपके पास टाइम है तो पूरी रात रख लें, नहीं तो 3 से 4 घंटे रख लें। रात रखेंगे तो बहुत अच्छा मसाला लग जाता है। ये देखिए हमने ग्रिल लिया है, किसी भी स्टोर से आपको बासानी मिल जाएगी ग्रिल। इसके ऊपर रख के आराम से पीस बनते हैं। पहले चूल्हे पे आप तवा रखें फिर उसके ऊपर आप ग्रिल रखें नीचे हल्की आंच, अब ग्रिल पे ऐसे पीस रखते जाएं। ये देखिए 1 ग्रिल में 3 पीस आराम से आ जाते हैं। अब इसे हमने बंद कर दिया, ये देखें हल्की सी आँच है, उस पर तवा रखा, तवे के ऊपर भी ग्रिल रखी है हमने। ये बर्नल की आँच तेज़ होती है ना, फिर वो सारी एक ही जगह लगेगी जल जाएंगे। हम इस पर पहले ना हल्की आँच के ऊपर तवा रखेंगे, तवा रख के फिर तवे से पूरा तवा गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर हम ग्रिल रखेंगे। आँच आप बिल्कुल हल्की इसके नीचे रखना क्योंकि तवा मुकम्मल गर्म होगा, फिर ये हल्की हल्की आँच से पकेगा और ये ऐसे इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। रुई ले लें या कोई कपड़ा ले लें साफ, उससे इस पर ऑयल लगाते जाएं। तकरीबन 25 से 30 मिनट में एक पीस तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन पीस है, खा के बना के ज़रूर देखिएगा और खाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बने माशाल्लाह। ये देखिए पहले एक साइड से करें 5-7 मिनट के लिए, घी लगा ऑयल लगाती जाएँ इसके ऊपर ऐसे, फिर इसे हम चेंज कर देंगे। 5-7 मिनट इस साइड से करें और दूसरी साइड से ऑयल लगाएं, फिर इंशाल्लाह ऐसे करके 3-4 दफ़ा करें, 15-20 मिनट में इंशाल्लाह तैयार।